पाकिस्तान के अंदर जो चीज मैं देखता हूँ मैं दस साल दुबई रहा हूँ वहाँ मैंने इंडियन मैटेलिटी को देखा इंडियन मैटैलिटी क्या है कि वो छोटा सा एक जो है ना कमरे जितना स्टोर बनाएंगे बट दे मार्केट इट लाइक के पूरा शहर इनका है हमारा क्या है हम पूरे शहर में मॉल बनाएंगे या एक आउटलेट बनाएंगे बट वी मार्केट इट लाइक ए बड़ा छोटा सा कमरा

लेकिन यार आप अपने आप को अंडर अप्रेज ना करें ना जो आपकी वैल्यू है उसके ऊपर तो आप लोगों को बताएं ना इतना हम्बल होने की जरूरत नहीं है बिजनेस के अंदर बेसिकली मुझे कभी कोई लिखता है ना कि यार आप माशाल्लाह बड़े हम्बल हो मैं कहा आई एम हम्बल ओनली इन माय एट माय हाउस बिजनेस में आगे चेक कर ले मैं कितना हम्बल हूँ हम ना हम्बल एट ऑल बिल्कुल पुट ऑल आउट यार ये मैं करता हूँ ये मेरी चीज है ये चीज है हम करते हैं उसको यू हैव हैव टू टू यू टॉक फॉर सेल्फ अगर आपकी स्ट्रेंथ आप खुद नहीं बताएंगे तो दूसरा तो कोई नहीं बताएगा नहीं बता पाएगा। तो ये यस yes, आपको उसको एक, ये हाँ कोई ऐसी चीज हो जिसमें आपकी बहुत बड़ी कोई निच है और आप नहीं चाहते कि कॉम्पिटिशन पड़े उसका कुछ और को तो फिर आप छुप छुपा के करते रहें लेकिन मैं तो उसके अंदर भी कहता हूँ कि आप उसके अंदर ऐसे एंगल्स देखें कि आने वाला बंदा जो है वो आपके पीछे ही रहेगा जी बिल्कुल आप करें उसको तो मेरे मैं ज़ाती तौर पे मुझे तो मेरे जो ऑफिस के अंदर बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार बहुत सारी चीज़ें जो नहीं बताने वाली होती आप लोगों को वो भी बता देते हैं फिर देन दे स्टार्ट द सेम बिजनेस अक्रॉस द स्ट्रीट सही तो करें अक्रॉस द स्ट्रीट बेसिकली मैं तो मेरी तो टोटल बिलीव ही है कि आ, वो जो नहीं है शालमी वाली कहानी कि एक ही लाइन में चार, चार सौ बंदा एक ही चीज़ बेच रहा है हाँ, हाँ। तो वह फिर मार्केट बन जाती है पीपल कम फ्रॉम फॉर तो डजेंट मैटर तो लेजी होते हैं वो बंदे जो कॉम्पिटिशन से थोड़ा सा करते हैं lazy... ये आपने बड़ी वेलट बात की आ, मैं मेरा बिजनेस पार्टनर था हम लोगों के पास ना हम यू से फ़ोन इंपोर्ट करते थे और दुबई से आगे हम फिर डिफरेंट एशिया के रीजन के अंदर देते थे तो हमारे पास एक शॉप थी एक छोटा सा राउंड अबाउट था उस पर तीन कॉर्नर पर शॉप हमारे पास थी मुझे वो कहता है पार्टनर कहता है यार चौथे पे भी ले लें तो मेरी वही पाकिस्तानी मैंटाली में या दिमाग ख़राब है कौन लेगा मैं क्या अपनी चौथी डालनी है तो उसने क्या बोला मुझे कहता है देखो अभी क्या हो रहा है तीन शॉप्स पर प्राइस हमारी अपनी मर्ज़ी से चलती है चौथा हमें डिस्टर्ब कर रहा है चौथे पर भी अगर हम बैठ गए आगे तो पूरा राउंड अबाउट हमारे पास हो जाएगा मैं हो जाएगी तो बात आपकी बिल्कुल वैलिड है कि एक मार्केट आप अपने स्टाइल से चला सकते हो ये किस चीज़ का काम था आ, फोन सेल फोन का हम लोग यूएसए से इम्पोर्ट करते थे और वहाँ दुबई के अंदर okay. दुबई में थे और वहाँ से फिर आगे हम इंडिया भी आते थे कुछ पाकिस्तान भी आते थे ज्यादा अफ्रीका जाते थे हमारे अच्छा मेरी अपनी ज़ाती राय के अंदर जो ये है एक्सक्लूसिविटी इस तरह काम होती नहीं है आप चारों कॉर्नर भी पकड़ लेना वो कॉर्नर के अंदर वाली एक दुकान बना के आपके पीछे पड़ सकता है कोई को सही है। तो इसलिए ये इसको तो मैं थोड़ा सा बोलूँगा कि अननेसेसरी पहने का ही कि भाई आप सारे कॉर्नर पे हाँ या तो ये ना आपके गैस स्टेशन होते है वो सिर्फ बानी कॉर्नर पे सकता है तो फिर मैं कहता कि जी ठीक है आपने बड़ा अच्छा किया सही अच्छा लेकिन इस तरह की जो शॉप्स हैं वो तो कॉर्नर से हटके तीन छोड़ के भी बन सकती है नहीं नहीं इसमें पॉइंट ये है कि देखें वहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी ना दो या तीन होलसेलर बैठे थे उस एरिया में हम अकेले ही थे तो वो जो शॉप्स पे रिटेलर भी आते थे ना वो हमारा ही माल पड़ा होता था